गुड मॉर्निंग एवरी वन. इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक एनर्जी. द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. एनर्जी का मतलब है ऑब्जेक्ट की वो कैपेसिटी जिसके बेस पर वो क्या करती है, काम करती है, यानी कि वर्क करती है. द यूनिट ऑफ एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ वर्क दैट इज जूल. और जो यूनिट होती है एनर्जी की वो सेम होती है वर्क की तरह, यानी वर्क की एनर्जी अगर जूल है तो एनर्जी की यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी. वन जूल इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वन जूल वर्क. और इसका मतलब ये है कि वन जूल एनर्जी हमें चाहिए होती है वन जूल काम करने के लिए. थाउजेंड जूल इज इक्वल्स टू वन किलो जूल. और थाउजेंड जो जूल होते हैं किसके बराबर होते हैं, वन किलो जूल के बराबर होते हैं. अब आपको पता होगा बेटा कि हमारे पास बहुत सारी हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स होती है एनर्जी की, ठीक है. जैसे कि हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया. इन सबसे बड़ा हमारे पास जो सोर्स है एनर्जी का वो है क्या है, सन है. सन की वजह से ही हमें ये और सब जो एनर्जीज हैं ये मिल पाई हैं, जैसे हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, ठीक है. जब कहते हीट एनर्जी आई, लाइट आई, तब जाके क्या हुआ, तब जाके इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मैकेनिकल एनर्जी क्या हुई, डिस्कवर हुई. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पोजेस बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. काइनेटिक एनर्जी का मतलब है ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी जो उसमें प्रोड्यूस होती है जब वो ऑब्जेक्ट किस में होता है, मोशन में होती है, यानी कि वो बॉडी जब मोशन में होती है उस टाइम पे जो एनर्जी पोजेस हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे. ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी. और हर एक मूव करने वाला ऑब्जेक्ट क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी का करता है, रिलीज करता है. अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, अ रनिंग एथलीट एक्सेट्रा पोजेस काइनेटिक एनर्जी. और ये सभी चीज़ें जैसे कि कौन कौन है, कोई जो कोकोनट फॉल कर रहा है, एक कार जो चल रही है, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, जो वाटर फ्लो कर रहा है, जो विंड फ्लो कर रही है, और जो एथलीट कोई रन कर रहा है, या फिर हम भी कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो हम भी क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे होंगे. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स स्पीड. जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो डिपेंड करती है उसकी स्पीड पे. एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन एन ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोअर. और जो ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो फास्ट मूव कर रहा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी. किससे, जो ऑब्जेक्ट क्या है, जिसकी स्पीड कम है और जो स्लो मूव कर रहा है. ओके, द काइनेटिक एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है. और जो काइनेटिक एनर्जी जो पोजेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको जो मास होता है वो एम होता है, और मूविंग जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है वो क्या होती है, वी होती है. इसका बेटा पूरा डेरिवेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी. ओके, नेक्स्ट इज एक एग्जांपल दे रखा है आपको. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 केजी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर सेकेंड इनवर्स. व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पोजेस बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा. अब यहाँ पे आपको क्या बोला था कि मास ऑफ 15 केजी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 15 केजी है, तो मतलब आपको मास गिवन है, ठीक है. और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी आ रखी, 4 मीटर पर सेकंड दे रखी, ठीक है, या फिर 4 मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो आप, इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है. तो दे रखी है वेलोसिटी भी, दे रखी है मास भी, दे रखी है. आपने क्या करना है, आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी को निकालना है. तो उसका फॉर्मूला होता है ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. आपने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, आपने वैल्यूज पुट करी, हाफ इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4, और आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 120 आ गया. तो इसी तरीके से आपका जो काइनेटिक एनर्जी थी वो निकल के कितनी आ गई, 120 जूल. ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पोटेंशियल एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन और शेप, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट रिलीज कर रही है जब उस ऑब्जेक्ट की पोजिशन और शेप में चेंज आ रहा है. इसका आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है. इफ़ अ रबर बैंड इज स्ट्रेच एंड देन रिलीज इज इट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, वैन द रबर बैंड इज स्ट्रेच एनर्जी इज ट्रांसफर टू इट एंड स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी.
ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, उसमें आपको बता रखा है कि एक रबर बैंड है, आपने उसे स्ट्रेच करा और फिर रिलीज कर दिया, तो उसका तो अपने इनिशियल पोजीशन में आ गया, मतलब आपने रबर लिया उसको स्ट्रेच करा और फिर उसे छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा यानी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो उस टाइम पे व्हेन द रबर बैंड इज स्ट्रेच, जब हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया था तो जो एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है, और क्या हो गया, स्टोर हो गई एज पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जब हमने खींचा तो क्या हुआ, वो एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो रही थी, और जब वो रुकी तो क्या हो गई, वो स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी बनकर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक और देखा, व्हेन व्हेन वी विन द की ऑफ टॉय कार एंड प्लेस इट ऑन द ग्राउंड इट मूव्स, व्हेन वी वाइंड द की ऑफ द कार एनर्जी इज ट्रांसफर टू स्प्रिंग इन साइड एंड स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। आपने देखा होगा कि एक जो की वाली जो कार आती है, जो टॉय कार होती है, उसमें की लगी होती है, उसको जब हम टाइट करते हैं तो क्या करती है, मूव करती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो अपनी जो वो मतलब जो जो की है वो मूव करती है, और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जब हम उसे रिलीज़ कर देते हैं तो क्या होता है, वो अपनी इनिशियल पोजिशन में आ जाती है, और उस टाइम पर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी बनकर उसमें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल और देखा, इफ़ यू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट टू अ हाइट एंड रिलीज इट इट फॉल्स डाउन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड एनर्जी इज ट्रांसफर टू इट एंड स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आप उन्होंने आपको एक एग्जांपल दे रखा कि आपने एक ऑब्जेक्ट को उठाया और फिर उसे क्या कर दिया, गिरा दिया, ठीक है, जो जब आपने उस ऑब्जेक्ट को उठाया था तो जो एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है, और क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र हो गई उस ऑब्जेक्ट में, और उसके बाद उसमें क्या हो गई, जब वो नीचे गिरा तो उसमें क्या हो गई, स्टोर हो गई। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जब हम क्या करते हैं, एक एनर्जी का दूसरी मतलब एक एनर्जी की एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। When energy is converted from one form into another, the total energy always remains the same. और जब भी हम एक एनर्जी को उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर चेंज करते हैं तो जो टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम ही रहती है, और इसी के बेसिस में यहाँ पे एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक लॉ है कंजर्वेशन का, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन only be converted from one form to another, it can neither be created nor destroyed, the total energy before and after the transformation remain the same, ठीक है। जो law of conservation of energy है वो कहता है कि हम जो energy है उसको उसकी एक form से दूसरी form में change कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या नहीं कर सकते, ना ही create कर सकते हैं, ना ही destroy कर सकते हैं, और total energy transformation से पहले भी और बाद में भी दोनों में क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर का मतलब है वो रेट जिसमें क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। इफ डब्ल्यू इज द वर्क डन इन टाइम टी देन पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टी। वो बोल रहे हैं कि डब्ल्यू अगर क्या है, वर्क डन है, ठीक है, टाइम टी में, तो जो पावर होगी वो क्या होगी, पावर का फॉर्मूला बनेगा पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टिकन। इसका मतलब P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। जो पावर है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, इसे हम W से डिनोट करते हैं। वन वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ वन जूल पर सेकेंड, और वन वॉट पावर का मतलब है कि एक जूल पर सेकेंड में जो काम हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, वन वॉट। ओके,